आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने माई जियो का जो ऐप है उसमें जो लिमिट आपकी दिखाता है 1 GB की, उसे किस तरह से हटा सकते हैं और अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हैं जियो की तरफ से। तो आप जानते ही होंगे कि जो 1 GB की लिमिट है उसे हटाना बहुत मुश्किल है, और काफ़ी वीडियोस में प्रॉमिस करते हैं कि हम 1 GB की लिमिट हटा देंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने अपना जो डेटा है वो ख़त्म कर लिया है और आपको दिखा देता हूँ 6.14 KB जो है ये दिखा रहा है कि आपको बचा हुआ है, पर दरअसल मेरे को मैसेज आ चुका है जियो की तरफ से जो ये साफ साफ कहता है कि आपकी लिमिट ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो चुकी है सॉरी, और आप और 1 GB की जो लिमिट के बाद अब आपको 128 KBPS की स्पीड से चलना होगा, जैसा कि आप इस मैसेज में देख सकते हैं। 27 जैन को ये डेटा ख़त्म हो चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है सेटिंग्स में और वहाँ पर आपको अपने ऐप्स की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको माई जियो के ऐप की डिटेल्स पे जाना है। जी, और अब यहाँ पर आपको सबसे पहले फोर स्टॉप करना है आपको, उसके बाद इसका जो डेटा है उसे क्लियर करना है। जी हाँ, इस तरह से आप अपने ऐप का जो डेटा है उसे क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन की क्लॉक में और जाकर वहाँ पर टाइम को चेंज करना है और टाइम को सेट करना है अराउंड रात के 2 बजे से रात के 4 बजे तक, यानी कि 2 AM to 4 AM के बीच में आपको टाइम को सेट करना है। इससे पहले आपको ऑटोमेटिक हटाना पड़ेगा, उसके बाद इसको टाइम को सेट करना पड़ेगा, और 2 AM से 4 AM के बीच में आप कहीं भी टाइम को रख सकते हो। और आपको जो डेट है अपनी उसको एक दिन आगे करना पड़ेगा, यानी अगर आज 27 है तो आपको 28 करना होगा। उसके बाद आपको माई जियो का ऐप खोलना है। जी हाँ, अब आप इसे सारी परमिशन दे दीजिए और ओपन की बटन पे क्लिक करिए, स्किप साइन इन करिए और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बैलेंस आपको दिखाऊंगा तो वो जो 6.14 KB था वो अब 0 KB हो गया है, यानी कि अब मेरे पास 1 KB का फुल स्पीड वाला डेटा नहीं है और नीचे लिखा हुआ है कि आपको 128 KBPS की स्पीड से चलना है। लेकिन क्योंकि हमने डेट बदल दिया है तो ऐप तो यही दिखा रहा है कि वो 1 GB की लिमिट आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन स्पीड है अभी भी और वो पूरी अनलिमिटेड स्पीड हमें मिल चुकी है। मैं आपको कोई भी ऐप की मदद से डाउनलोडिंग स्पीड दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये 5 KB 10 KB की स्पीड पर चल रहा है, लेकिन अभी आप देखते जाना कि स्पीड कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐप दिखा तो रहा है कि वो ख़त्म हो गया लेकिन हमने डेट बदल दी है इसलिए अगले डेट के हिसाब से वो फुल स्पीड में चल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है और स्पीड जो है वो 79 KBPS 89 KBPS जो कि हमेशा फुल स्पीड पे इतना आता है, और कभी भी अगर आपकी स्पीड ख़त्म हो जाए तो आपको पता ही होगा स्पीड बहुत कम आती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, तो अगर आप इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी डेट बदल लें तो आपको भी स्पीड मिल जाएगी। याद रखिएगा कि स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको अपना डेटा पहले ख़त्म करना होगा। देखने के लिए शुक्रिया, और ऐसी तरह की ट्रिक्स मैं लाता रहूँगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।